सो गाइस काफी लोग आज भी ये सोचते हैं कि साइबर हस्की वुल्फ की तरह दिखते हैं तो कहीं ये भी खतरनाक ना हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइबर हस्की का टेम्परामेंट उनकी तरह बिल्कुल नहीं होता, ये काफी अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं। तो ये ब्रीड उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो एक फैमिली डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं, जो काफी एनर्जेटिक डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं एंड जो काफी ब्यूटीफुल डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें आप लोगों को इस ब्रीड में मिलने वाली है। लेकिन गाइस इसके बारे में बात करने से पहले भाई, क्या आप लोगों ने हमारी ये संडे स्पेशल वीडियो देखी? यार बड़ी तगड़ी वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो डोंट वरी, आप लोगों को एंड स्क्रीन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये साइबर हस्की एक फ्रेश फीमेल है जिसकी उन्होंने फर्स्ट ईट मिस करा दी है और उन्होंने इसकी सभी वैक्सीनेशन कम्प्लीट करा रखी है एंड शायद आप लोगों को साथ में इसका वैक्सीनेशन कार्ड भी मिल जाए। एंड डॉग जो है प्रॉपर मार्किंग में है एंड शॉर्ट कोट में है, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड कोट भी कहते हैं, तो इनको मेंटेन रखना आप लोगों के लिए काफी इजी होगा। वैसे बहुत से लोग शौक शौक में फुल्ली कोट को परचेज तो कर लेते हैं लेकिन यार बाद में फोन के कोट को मेंटेन नहीं रख पाते, तो इस साइबर हस्की में आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी एंड भाई गर्मियों में भी ये काफी कंफर्टेबली रह सकते हैं, क्योंकि फुल्ली कोट को भाई गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, आप लोगों को उन्हें एसी तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। वैसे ओनर के पास ये सिंगल फीमेल ही अवेलेबल है और अगर आप लोग चाहो तो इसे लाइव वीडियो कॉल पर भी देख सकते हो। तो भाई जब आप लोग इस साइबर हस्की को परचेज करो ना, तो सबसे पहले डॉग ओनर से इसकी डाइट प्लान के बारे में जरूर कंफर्म कर ले कि ओनर इसे खाने में क्या दे रहे हैं, क्योंकि बेटर यही रहेगा कि कुछ टाइम तक अगर आप लोग उसी डाइट को फॉलो करो तो बाद में आप लोग चेंज कर सकते हो। बाकी गाइस इस फीमेल का जो टेम्परामेंट है वो बिल्कुल फ्रेंडली है, इस चीज को लेकर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एंड अच्छी बात यह है कि काफी जल्दी ये फीमेल सेकंड ईट पर आने वाली है, जिस टाइम आप लोग इसको क्रॉस कराकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आजकल जो ब्रीडिंग का काम स्टार्ट करने की सोचते हैं ना वो इसी टाइप की फीमेल्स को परचेज करना ज्यादा पसंद करते हैं। और गाइस अगर कभी भी आप लोगों को ये लगे कि आप लोगों के छोटे पपीज या एडल्ट डॉग्स की आंखों में व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर वो लेजी है, या फिर खाना कम खा रहे हैं, या फिर वो गोबर वगैरह में मुंह मारते हैं, तो उस टाइम आप लोगों को उनकी डिफॉर्मिंग कर देनी है। वैसे आजकल मोस्ट लोग साइबर हस्की को ब्लू आईज में ही परचेज करना पसंद करते हैं, तो ये जो फीमेल है ना भाई ये भी ब्लू आईज में ही है। बाकी गाइस आप लोगों को साइबर हस्की के अलावा और कोई भी डॉग ब्रीड परचेज करनी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को ऑल पर कर लो और फिर देखो भाई आप लोगों की फेवरेट डॉग ब्रीड कितने कम प्राइस में दिलाता हूं। तो गाइस अगर इस साइबर हस्की की एज के बारे में बात करें तो ये फीमेल 11 मंथ्स की हो चुकी है, वैक्सीनेशन कंप्लीट है, नियर हीट है और ओनर की जो लोकेशन है वो है लक्षर हरिद्वार उत्तराखंड से। आप लोग डायरेक्ट जाकर ही परचेज करोगे तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो डिलीवरी को लेकर आप लोग डॉग ओनर से डिस्कस कर लें कि वो प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो भाई ओनर ने जो इस साइबर हस्की के प्राइस की डिमांड की ना यार वो 20,000 यानी 20,000 रुपए, लेकिन दोस्तों प्राइस काफी हद तक नेगोशिएबल है, अब वो डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोग किस तरह से बार्गेनिंग करते हो। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करके जरूर चाहिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।